नमस्कार। आप सभी का काफी कमेंट हमारे पास आ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आप अपना लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो उस टाइम डाटा नॉट फाउंड का ऑप्शन आ जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या प्रोसेस में आप गलती कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं लाइव प्रूफ के साथ अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नया लिस्ट जारी हुआ है उसको चेक करके भी दिखाऊंगा। सो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे दो प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। पहला तो एक मोबाइल एप्लीकेशन के मदद से मैं यहाँ पे नया जो लिस्ट जारी हुआ उसको चेक करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो आप वेबसाइट से कैसे करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नया लिस्ट जारी हो गया है उसमें आप ये सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पेमेंट आया है और किन किन लोगों का यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हुआ है, किन लोगों के नाम पे अप्रूवल हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को मिलता है। तो चलिए ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे जहां पे मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ चेक करके दिखाऊं। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको IAY लिखकर सर्च करना होगा। जैसे ही आप इसको लिखकर सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, जिसमें पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा F6 FTO ट्रांजेक्शन समरी। सिंपल सा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही आप जूम करेंगे यहाँ पे एक होम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो होम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे मेन मेन्यू के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3 डॉट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्रेंड, काफी लोगों का कमेंट आ रहा है सर डाटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो देखिए डाटा नॉट फाउंड अगर आपका आ रहा है तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस के माध्यम से चेक कीजिए, कभी भी आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा, बट उससे सबसे नीचे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा H Social Adult Report जिसमें बेनिफिक्चरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, जो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो आपके पास सबसे पहले सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो सिलेक्ट के ऑप्शन में सबसे पहले आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है, जिस भी राज्य का आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं उस राज्य का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे बहुत सारा जितने भी राज्य हैं भारत के सभी राज्य यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। तो जैसे कि मुझे फिलहाल झारखंड का चेक करना है तो मैं यहाँ पे झारखंड को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से जूम आउट करते हैं और यहाँ पे फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का आप चेक करना चाहते हैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर से जूम आउट करते हैं और यहाँ पे फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पंचायत का नाम दिख जाएगा, जितना भी उस ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायत है सभी पंचायत का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको एक पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पंचायत सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर से जो सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा उसमें आपको यहाँ पे कौन सा साल का आप चेक करना चाहते हैं उस साल को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को फिलहाल 2021-22 का चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो 2021-22 के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जो आपको मेन स्टेप है उसको ध्यान से देखिए, तभी आपका डाटा नॉट फाउंड आएगा। यहाँ पे जो पहले नंबर पे जो ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके में ही आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रामीण का चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कैप्चर मिल गया है। देखिए कैप्चर में लिखा गया है कि 73 - 30 जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे उसको माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पे आंसर सही करके लिख दिया और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ में सारा चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया गया बेनिफिक्चरी नेम किसके नाम पे अप्रूवल हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी आपके पंचायत में और गाँव में जितने भी लिस्ट है सभी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल नेम फिनेंशियल ईयर आपको 21-22 लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे BPL नंबर भी दिया है, नरेगा का जॉब कार्ड नंबर, ये
सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। सो फ्रेंड, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो पूरा फाइल है, ठीक है, ये पूरा फाइल आपके PDF फॉर्मेट में आपके मोबाइल पे फोन पे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग क्लियर समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपको नाम दिया गया है, उसके बाद कौन सा साल में अप्रूवल हुआ, 2021-22 में, और यहाँ पे देखिए BPL नंबर यहाँ पे नहीं बताया गया है, नरेगा जॉब कार्ड नंबर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो टोटल इनको पेमेंट मिला वो 1,20,000 मिला है, और टोटल इनका 7/2/2022 को पेमेंट आया था। यहाँ पे बाय मोबाइल, एनी मोबाइल, मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके पंचायत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब लिस्ट जारी हुआ है, सबका नाम चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी का इसमें पैसा भी घुसा हुआ है इस ईयर में, तो वो भी सारी डिटेल्स आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।